अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज ब्रेकफास्ट में मैंने अपने लिए बनाया है मूली वाला पराठा और बच्चों को भी ये बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है, तो दही के साथ जो है मेरे साथ काफी जो रोटी का पोर्शन है वो ये दोनों खा लेते हैं। हम जैसी माओ के लिए ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। बच्चे इस एज में पिकी होते हैं और उनको खिलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश यही होती है मैं अपने लिए भी वही चीज बनाऊं जो बच्चे भी खा लें। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं इनके कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर ये खेलते हैं या टीवी देख लेते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इनको टॉयज में बिजी रखूँ ताकि इनका स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाए। जुहान तो माशाल्लाह से इतना जिद नहीं करता टीवी देखने के लिए। अजलान क्योंकि शुरू से ही एडिक्ट है तो ये जिद करता है बहुत ज्यादा टीवी की या मोबाइल की। और इनके साथ खेलने के लिए हमारे घर दो नए मेहमान भी आ गए हैं, चले आपको भी मिलवाती हूँ। इनको कुछ दिनों तक हम ज़िबा कर देंगे क्योंकि दुबई से जो है अजलान के चाचू आ रहे हैं जो कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड भी हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ मटर और चिकन कीमा, फिर लास्ट में मैंने इसमें एक एग भी ऐड कर दिया और इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा रहा था। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कुकिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी बाजार, मुझे कुछ डेकोरेशन पीसेस बाय करने थे, तो ये एक शॉप मुझे मिली। यहाँ पे मुझे जो है वो 2 से 3 जो है वो डेकोरेशन पीसेस पसंद आए, वो फिर मैंने ले लिए। घर आके मुझे तो लग गई है भूख और मैं बना रही हूँ अपने लिए ये वाली रोटी। बड़े ही सिंपल और इजी तरीके से बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैंने बच्चों के लिए आज बनाए हैं फ्रेंच टोस्ट और साथ अपने लिए चाय। जुहान तो माशाल्लाह से फ्रेंच टोस्ट लाइक भी करता है और देखें माशाल्लाह से खुद खाने की ट्राई भी करता है। अजलान को तो मैं बस आवाजें ही लगाती रहती हूँ कि जनाब जी आप भी आके टेस्ट कर लें, कम से कम थोड़ा सा खा के ही देख लें, लेकिन अजलान साहब तो बात किसी की सुनते ही नहीं है। सुबह सुबह उठते साथ उसने मिल्क लेना होता है और बाद में बस जिद होती है या तो मुझे कोई बाहर की स्नैक्स मिल जाए या जूस मिल जाए, और चॉकलेट की डिमांड तो हर टाइम इसने करनी ही है। बच्चों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऐसे ही टाइम स्पेंड होता रहता है, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा ही शूट किया है और नाइट में जो हस्बैंड है वो सबके लिए पिज्जा लेके आए हैं। क्योंकि मैं फास्ट फूड बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, हस्बैंड ज्यादा घर का ही खाते हैं, तो उनकी कोशिश यही होती है कि हर नई जगह का पिज्जा जो है ना मुझे ट्राई कराते रहे। और अजलान को पूरे पिज्जा में जो है वो केचप अच्छी लगती है, तो बस उसने अपने काम की चीज निकाल ली और साथ ही मेरे सेलफोन के लिए न्यू कवर भी लेके आए हैं और आजकल तो इसकी बहुत ज्यादा एड्स भी चल रही थी। नेक्स्ट डे लंच में हम बना रहे हैं मेथी के पराठे, तो ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। मेथी को हमने कट करके जो है आटे में ही मिक्स करके उसमें स्पाइसेस ऐड किए और उसको अच्छी तरह से गूंद लिया और फिर थोड़ी देर उसको स्टे कराने के बाद उसके हम जबरदस्त से पराठे बना लेते हैं। मुझे तो मेथी के सालन के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये है कि अगर सालन नहीं बना हुआ और खाने का मूड भी है तो ये जरा क्विक तरीका है बनाने का, टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा आता है। ये ऊपर लगाएंगे ढेर सारा देसी घी और फिर मजे से खाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस तरह की रेसिपीज शेयर करूं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अजलान की छोटी जाए नमाज तो मैंने निकाल दी है ताकि ये भी जो है ना अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने की प्रैक्टिस किया करे, और माशाल्लाह से अब तो नमाज के पूरे एक्शंस भी करने लग गया है। लेकिन आज देखे जी मस्तियां चढ़ी हुई हैं और जाए नमाज के ऊपर जो है ना तकिया रख के सोने की कोशिश हो रही है, और ये देखे माशाल्लाह से ना पूरे एक्शंस करने की कोशिश करता है। बच्चे अभी छोटे हैं, बस ऐसे ही बच्चों को साथ साथ दीन की चीजें भी सिखाते रहना चाहिए। अच्छा शीप तो बताओ ना पहले, अजान शीप तो बताओ ना पहले, शीप किधर है? अजान शीप किधर है? और ये क्या, ये क्या, ये क्या? अच्छा और ये क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये काऊ। अच्छा ये काऊ है, और ये क्या? पोपिट है। पोपिट है ये? पोपिट है। चलो पोपिट है। नहीं ऐसे 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 काऊ। अच्छा ओके। नहीं ऐसे ऐसे काऊ।
ये क्या लगाया हमने? चलो बताओ शीप किधर है? शीप चलो घुमा कर दो मुझे। नेक्स्ट डे सब आगे हैं एयरपोर्ट और वेट कर रहे हैं मेरे ब्रदर इन लॉ के आने का। आ जाए हैं जी जावियार के बाबा दुबई से, तो जावियार को उन्होंने फर्स्ट टाइम ही आज देखा। बस फिर सब आ गए घर और उसके बाद मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उन्होंने कुछ चीजें लेनी थी बाजार से, फिर हम बाजार आ गए और कुछ जो है लेसेस वगैरह लेनी थी सूट स्टिच करने के लिए, तो वो हमने ले ली। और यहाँ मुझे ये ब्लैंकेट वाली बेडशीट अच्छी लग गई तो मैंने ये वाली ले ली। अजलान और जुहान दोनों को ही अपने ब्लैंकेट्स के ऊपर सोना बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा चले जी बेडशीट ही ले लेते हैं, दोनों आराम से सोया करें। घर में भी खुशी का माहौल है क्योंकि तकरीबन एक साल बाद जो है मेरे ब्रदर इन लॉ दुबई से आए हैं और सिस्टर जो है वो 2 से 3 मंथ्स पहले आ गई थी। अल्लाह ताला सबके घरों में बस इसी तरह से खुशियां अता फरमाए। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।